पूरे विश्व को आरोग्य का वरदान भारत से मिला है, जिसका नाम है आयुर्वेद। ये चिकित्सा विज्ञान भारत में 5000 वर्षों से चला आ रहा है। प्रयोजनम चास्य स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, अर्थात आयुर्वेद का उद्देश्य स्वस्थ लोगों की सेहत की रक्षा और बीमार व्यक्ति को निरोग बनाना है। आयुर्वेद आयु और वेद शब्दों की संधि से बना है। आयु का अर्थ है जीवन और वेद यानी ज्ञान, मतलब जीवन का विज्ञान, यही आयुर्वेद का सार है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में सरकार प्राचीन ज्ञान और विज्ञान का परचम लहराने के लिए जोर शोर से लगी हुई है। क्या कभी हिंदुस्तान ने सोचा कि दुनिया में कितने देश ऐसे हैं कि जो हमारी ये ट्रेडिशनल मेडिसिन में विश्वास करते हैं? क्यों ना हमारी एफिलिएटेड आयुर्वेद कॉलेजेस अन्य देशों में क्यों ना हो, मॉरिशस में आयुर्वेद कॉलेज क्यों ना हो, अफ्रीका में जहां पर हमारी आज भी, आप वेस्ट इंडीज कंट्रीज में जाइए, आज भी हमारी परंपराओं से जीने वाले लोग हैं। यानी उनको नए सिरे से समझाने की आवश्यकता नहीं है। हमारे देश में कभी ग्लोबली आयुर्वेद को विश्व समूह के सामने ले जाया जा सकता है, विश्व समूह को इसी एक छत्र के नीचे लाया जा सकता है, भले शुरुआत 12-15-20 देशों से होगी। माननीय प्रधानमंत्री का इस पुरातन चिकित्सा पद्धति पर पूरा भरोसा है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के आयुष विभाग ने भारतीय चिकित्सा पद्धति के विकास में अहम योगदान किया है। भारत सरकार ने आयुष सेवाओं के बेहतर उपयोग के लिए राष्ट्रीय आयुष मिशन की शुरुआत को मंजूरी दी है। सेहत और औषधि विज्ञान में आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति का इस्तेमाल सदियों से होता आ रहा है। ये देश के शहरी और ग्रामीण परिवारों में आसानी से उपयोग में लाई जा सकने वाली सर्वसुलभ और कम खर्च वाली चिकित्सा पद्धति है। पूरी दुनिया सहित पश्चिमी देशों, खासकर यूरोप और अमेरिका ने इसके महत्व को समझा है। यहां आयुर्वेद का प्रचलन बढ़ता जा रहा है। ये भारत के लिए गर्व की बात है। आयुर अस्मिन विद्यते अनेन वा आयुर्विंदति त्य आयुर्वेदा। चरक संहिता के अनुसार जिसके द्वारा जीवन का ज्ञान प्राप्त हो उसे कहते हैं आयुर्वेद।